वेलकम बैक टू सुबह नौ। वापसी हमारी हो चुकी है। शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान ने एफडीआई के हवाले से सवाल किया था और एक और सवाल था उनका, पहले आप जवाब दे दीजिए क्योंकि कॉलर्स भी हैं हमारे साथ। देखें, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर है वो हमेशा ये देखता है कि क्लाइमेट कैसा है उसकी इन्वेस्टमेंट जो है। वो दो बातें हैं, सबसे पहले तो ये देखता है कि इन्वेस्टमेंट, कोई भी बिजनेसमैन, कि मेरी इन्वेस्टमेंट तो नहीं डूब जाएगी, और फिर दूसरा वो ये देखता है कि उसका रिटर्न उसे प्रॉपरली मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक क्लाइमेट पाकिस्तान के हवाले से बिजनेसेस ग्रो हो रहे थे, हो रहे हैं, होते रहेंगे इंशाल्लाह। उस हवाले से तो मैं कहता हूँ कि क्लाइमेट तो है अपनी जगह, ठीक है, लेकिन उस क्लाइमेट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन कनेक्टिविटी है उसकी, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, और जो गवर्नमेंट के जितने भी डिसीजंस हैं उस पर कि वो एक फॉरेन इन्वेस्टर को कितना एंटरटेन करते हैं और कितना उसे सूट करता है एक फॉरेन इन्वेस्टर को, इस सिचुएशन को, इन हालात को, क्योंकि पूरी दुनिया में उसके लिए तो खुला हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए पूरी दुनिया खुली हुई है। राइट, वो पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करेगा? हाँ। उसके लिए एक बहुत बड़ा, मेरे लिए भी, अगर मैं भी एक, जैसे इन्होंने कहा कि आप भी फॉरेन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं, तो मैं भी ये सवाल मेरे लिए मेरे जहन में ज़रूर होगा, और मैं उन कंट्रीज़ को पहले प्रेफर करूंगा जिन कंट्रीज़ में मेरी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो एक्चुअल अमाउंट है वो सेफ होगी। मुझे उसका बेनिफिट तो बाद में ट्रांसलेट होगा, लेकिन उससे पहले मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है या नहीं उसको वो पहले जरूर देखे। और शायद इकोनॉमिक्स में ही वो आप कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो देखते हैं आप चीज़ों की, तो वो अगर आपको आज के ज़माने में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतनी कोई लेविश नहीं मिलती है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, थिंग्स आर बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज बन चुका है, तो अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत मुश्किल है कि आपको कोई, किसी ज़माने में जैसे लोग कहते थे दो साल में उसके पैसे जो है वो डबल हो जाएंगे, तो वो तो अब होने वाला है नहीं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो 10 से 15% के दरमियान रह गई है, तो उसके लिए वो क्या इतना बड़ा रिस्क लेगा कोई इंसान कि उसको इस सिचुएशन में जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा अपनी या नहीं करेगा। ठीक है, कॉलर भी है इस वक्त हमारे साथ, उसके बाद मैं आपसे कुछ और सवाल करूंगी जिस पे रिसर्च भी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं समर राजड़ मीरपुर खास से। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए। शहबाज भाई यहाँ पे बैठे हैं, मैं इनको देख रहा हूँ। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। शहबाज साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, दुआएं आप करिए। खुशी हुई क्योंकि मैं भी पिटारों का पढ़ा हूँ, तो मुझे एक पिटारियन की सक्सेस देखे मुझे बहुत खुशी हुई है। माय गुडनेस, आई एम प्लीज। सर मेरा एक सवाल है। जी जी। कि ये जो बिजली का बहरान पाकिस्तान में चल रहा है, तो इसके हमारी इंडस्ट्री पे क्या असरात पड़ रहे हैं? और दूसरा सवाल ये है कि जो गैर मुल्क की जो अशिया हमारे यहाँ इम्पोर्ट हो रही है कुछ चाइना से, इसका जो बढ़ता हुआ रुझान है ये हमारे मुल्क को कहाँ ले जाएगा, हमारी रोजगार पर, हमारी इंडस्ट्री पे, हमारा इसका ये क्या होगा इसका? ठीक है, इसका जवाब ऑन एयर दिलवाते हैं आपको। थैंक यू सो मच। और ये बड़े सीरियस नौयत के जवाब जो आप देने वाले हैं, उससे पहले जरा मुझे बताइए आपको नींद पुरसकून आती? अल्हम्दुलिल्लाह। नीला रंग है आपके कमरे में? जी नहीं। नहीं, ये एक रिसर्च चाहिए कि पुरसकून नींद अगर आपको चाहिए तो आपके कमरे का कलर नीला होना चाहिए, इससे आपको सूदिंग इफेक्ट होता है। ओके। अच्छा, आप दिन में कितने ग्लास पानी पीते हैं? तकरीबन 16। 16? तो ठीक है, फिर झुर्रियां कभी भी नहीं आएंगी, क्योंकि 8 ग्लास में कह रहे हैं कि झुर्रियां नहीं आएंगी, तो 16 में तो मेरे ख्याल में रिजवान सही थे। रिजवान सही कह रहे, बहुत सही कह रहे थे। हाँ बिल्कुल, पता नहीं चल रहा, बहुत से लोगों को बहुत कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा, फेसबुक और ट्विटर पर्सन हैं आप? बहुत थोड़ा, बहुत कम। फ्रांस में एक्चुअली फेसबुक और ट्विटर का नाम ऑन एयर लेने पर पाबंदी लगा दी गई है कि फेसबुक और ट्विटर का नाम आप ऑन एयर नहीं लेंगे, बेशक उस साइट की कोई बात है, कोई रेफरेंस कोट करना है वो कर दें, लेकिन नाम नहीं लिया जाएगा, उस पर जुर्माना आयद किया गया है। अब आप जो आपके पिटारियन भाईजान थे, यू हैव 2.5 मिनट्स टू कंप्लीट द आंसर्स। इट्स वेरी हार्ड टू आंसर दैट। हाँ, देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में किसी भी बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका, और खास तौर पर बिजली के हवाले से जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंडस्ट्री विदाउट बिजली तो चल नहीं सकती, और बिजली ना होने की वजह से जहाँ आम आवाम को तकलीफ है, वहाँ एक इंडस्ट्री को भी बहुत तकलीफ है। जो बड़ी इंडस्ट्री हैं उनको इतनी तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो अपने पावर जनरेशन खुद कर लेती हैं गैस के थ्रू, लेकिन अब गैस में भी लोड शेडिंग शुरू हो गई है, तो दुआ तो मैं ये करूँगा कि ये लोड शेडिंग जो है वो ना हो, वरना बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ भी बंद हो सकती हैं।
ठीक, ये एक तो इन्होंने केएससी का इलेक्ट्रिसिटी का सॉरी कहा था, और एक और उन्होंने कही थी बात कि हम जितनी चाइना से चीजें और इधर उधर से ले रहे हैं इंपोर्ट्स के हवाले से वो बात कर रहे थे, इसको आप फोर्सी अगर कुछ सेकंड्स में हमें बता सकें। देखिए चाइना में एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, पूरी दुनिया का 75% जो है वो टॉयज मार्केट वो कैप्चर कर चुके हैं, तो चाइना की तो सोच यही है कि वो बिजनेस में इकोनॉमिक वो लड़ाई लड़ रहा है, हम कोई और लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इकोनॉमिक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें भी जो है वो इकोनॉमिक्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ताकि मुल्क स्ट्रांग हो। ओके, थैंक यू सो मच अब्बास साहब, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, और बड़ा अच्छा रहा। सम अदर टाइम कुछ और पर्सनल चीजें हम जरूर पूछेंगे और प्रोफेशनल चीजें भी पूछेंगे। थैंक यू।